आई एम स्पीचलेस, आई एम रियली स्पीचलेस। मतलब कि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हाय गाइस दिस इज नाशिद, और नडाल ने हरा दिया है मेडवेडेव को 5 सेट मैच में। और हमको अभी बुरा भी नहीं लग रहा है, जैसे कमेंट्स में जो मैंने वीडियो बनाया था प्रिडिक्शन टाइप का, जिसमें बताया था कि मेडवेडेव अगर 5 सेट मैच जाता है तो मेडवेडेव का जीतने का ज्यादा चांस है। और हम अभी भी आर्ग्यू कर सकते हैं, अगर कोई भी आदमी ऐसा ही कोई बिना कुछ सोचे समझे किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया होगा, और नडाल का या नडाल का कोई फैन होगा और मतलब बायसली उसने बोल दिया कि नहीं नडाल जीतेगा, कैसे भी होगा नडाल जीतेगा, प्रॉप्स टू हिम, प्रॉप्स टू यू मैन, क्योंकि हमको लग ही नहीं रहा था। और इस वीडियो में हम क्या कहें, मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। मतलब हम कल मैच हुआ था, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि इस मैच में क्या हुआ। मैंने सोचा था इस वीडियो को एकदम मतलब टैक्टिकली, फर्स्ट सेट में क्या हुआ, सेकंड सेट में क्या हुआ, थर्ड सेट में क्या हुआ, तो सब चीज एकदम अच्छे से चल रहा था, फर्स्ट सेट सेकंड सेट बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ मतलब बात करने के लिए है नहीं। नडाल ने मतलब एक तरीके से जादू किया है, मतलब मैजिक इज काइंड ऑफ लाइक, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2007 के बाद ग्रैंड स्लैम में 2 सेट डाउन नडाल ने कभी एक भी मैच नहीं जीता है। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो क्या हम मतलब इस वीडियो में बोलें, मतलब कि इट वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ स्केप, स्केप मैजिक। लेकिन बात कर लेते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि अरे यार हम क्या बोल रहे हैं, मतलब वीडियो देखने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो देखिए, फर्स्ट सेट जब स्टार्ट हुआ तो मेडवेडेव जो है वो उसकी सर्विस गेम इतना ज्यादा क्विकली खत्म हो रहा था, आप जाके देखिएगा ये आपको याद होगा। तो पहला सेट में पहला बात की 2 बार ब्रेक किया था नडाल को मेडवेडेव ने, और मतलब पहला सेट जीता, लेकिन पहला सेट का पहला गेम सर्विस गेम नडाल का कितना लंबा गया था, दूसरा सर्विस गेम नडाल का कितना लंबा गया था, और मेडवेडेव बड़े अच्छे से बड़े आराम से 1 मिनट 2 मिनट में अपना सर्विस गेम निकाल रहा था, पहला सेट जीत गया। दूसरे सेट में हम ये नहीं बोल रहे कि नडाल खराब खेल रहा था, क्योंकि नडाल को पता नहीं चल रहा था कि कैसे पॉइंट खत्म करें। मतलब कि नडाल का फोर हैंड सब कोई जानते हैं, और राइटी का जब बैक हैंड खराब होता है, यही प्रॉब्लम जोकोविक के साथ भी होती है, लेकिन रॉजर फेडरर को नडाल स्टार्टिंग में कितना मतलब आराम से हराता था, और अभी भी मतलब कि उसके पर एक क्या बोल सकते हैं, मतलब एक एडवांटेज हो जाता है कि नडाल का इतना अच्छा फोर हैंड है, वो लेफ्टी है और राइट हैंड का बैक हैंड है, तो सिंगल हैंडर को प्रॉब्लम होती है और रिस्क लेना पड़ता है, खास करके सिंगल हैंडर को बहुत ज्यादा टफ हो जाता है मतलब इन फ्रंट पे बॉल को स्ट्राइक करना। लेकिन मेडवेडेव का बैक हैंड हम लोग जानते हैं कि नोवैक जोकोविक की कंपेरेबल है भाई, मतलब तारीफ करनी होगी। और इस वीडियो में हमको ऐसा लगता है कि मेडवेडेव के बारे में ज्यादा बात हम करेंगे, नडाल के बारे में तो नडाल इज लाइक समथिंग, मतलब लोग तो सब कुछ अब बोल रहे हैं गोट गोट गोट, इस फेरा में किसी को मतलब हमको तो नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, पढ़िए इस फेरा में कौन गोट है, कौन काऊ है, कौन डॉग है, और मतलब कोई भी एनिमल का कोई वो है, कोई वो है, दिस इज मतलब ऐसा नहीं होता यार, मतलब आई डोंट नो लाइक दोस काइंड ऑफ। लेकिन तब भी क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम उस आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अगर कोई फेडरर फैन है उसको आप बोलिएगा कि नहीं नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम जीता है तो नडाल इज गोट, तो वो बहुत ज्यादा वो मतलब एग्रीएबल पर्सन होगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है, मन में क्या बोलेगा ना, तिल ना को तुम, तिल ना को रॉजर फेडरर इज द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, वो ये बोलेगा। नोवाक जोकोविच को जाके आप बोलिए उसके फैन को, मैंने देखा है बहुत बार ऐसे, यहां पर आपके मतलब सर्कल में भी कम होंगे नोवाक जोकोविच के फैन, मतलब जब मैं टेनिस वेनिस खेलता था तो वहां मतलब मैंने देखा है मतलब नोवाक जोकोविच के बहुत फैन है, तो उनसे बोलिए जाके। आप नोवाक जोकोविच के मामले में तो आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये वाला वीडियो दूसरे तरफ जाएगा, क्योंकि मेडवेडेव को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्राउड से, क्योंकि क्राउड कितना ज्यादा सपोर्टिव था नडाल के, जोकोविक अपने पूरे करियर में ये प्रॉब्लम झेल रहा है, तब भी वो 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। नोवाक जोकोविक ने राफेल नडाल को जाकर फ्रेंच ओपन में हराया है, आपको रॉजर फेडरर को कितने बार विमिल्डन में हराया है, उन दोनों में भी नोवाक जोकोविक को हराया है, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। कभी भी इन दोनों का मैच होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है मतलब इन तीनों का, तो नोवाक जोकोविक के सपोर्ट में क्राउड रहती है, और इस मैच को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मतलब जो क्राउड है वो कितना ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो बात हम ये कर रहे थे कि फर्स्ट सेट में नडाल, हम बता रहे थे ना कि नडाल उतना ज्यादा खराब प्लेयर नहीं है, मतलब उसको पता ही नहीं चला था कि पॉइंट कैसे खत्म करें, तो मतलब लूपी फोर हैंड, लूपी बैक हैंड, मतलब स्लाइसेस, मतलब नजदीक लाना मेडवेडेव के, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइस वाली बात, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। नडाल वॉज थ्रोइंग एवरीथिंग, एवरी टैक्टिस, और ये वाला मैच अगर नडाल हारता तो उसको कुछ रिग्रेट भी नहीं होता, क्योंकि
मेडवेडेव वॉज कंप्लीट प्लेयर, मतलब ज्यादा अच्छा। और अगर आप जाके दो सेट देखिएगा तो मतलब 90% में ऐसा लगेगा कि मेडवेडेव नडाल सब कुछ ट्राई कर रहा है, मेडवेडेव पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ही इज द बेटर 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 मच बेटर प्लेयर इन कंपैरिजन टू नडाल। तो सेकंड सेट में आप देखिए कि सेकंड सेट जब खत्म हो गया और मेडवेडेव वो वाला मतलब सेकंड सेट जीत गया, तो लगने लगा कि नहीं यार, मतलब अब नडाल मैच नहीं जीत सकता है। और उसके बाद से मतलब मैच खत्म होने के बाद मैंने देखा जो ट्वीट किया रॉजर फेडरर ने कि नेवर अंडर एस्टिमेट अ ग्रेट चैंपियन, और ज्यादा बड़ा चैंपियन कौन है, राफेल नडाल। और हम लोग उसके मेंटालिटी के बारे में भी जानते हैं कि किस तरीके की वो मेंटालिटी रखता है, हर एक पॉइंट पे किस तरीके की उसकी मेंटालिटी है। और फोर्थ फिफ्थ सेट में नडाल को मतलब मैंने बहुत कम बार देखा है कि वो कोई शॉट के लिए ट्राई नहीं कर रहा है, कोई शॉट मतलब कोई बॉल को रीच करने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब फिजिकली वो थोड़ा दिक्कत में था। मेडवेडेव भी काफी ज्यादा फोर्थ फिफ्थ में मतलब फिजिकली उतना ज्यादा 100% नहीं लग रहा था। और ये कहने की बात नहीं, क्योंकि 5 से ज्यादा घंटे का ये मैच जा रहा था, और फिजिकली नडाल के साथ अगर आप मतलब मैच खेल रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा डिप्रेसिंग होता होगा बॉडी पे। तो और थर्ड सेट में मेडवेडेव जो है वो अप था, और उसके बाद से क्या हुआ कैसे हुआ मैंने नोट वोट मतलब मैं जो टेक्निकल माइंड से मैच देख रहा था मतलब वो सब चला गया, क्योंकि हमको उस समय लगने लगा, क्योंकि उसी समय आप देखिए कि मेडवेडेव जो है वो क्राउड से थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो हमको ऐसा लगा कि नहीं ये मैच लंबा जाने वाला है। लेकिन तब भी हमको ऐसा लग रहा था और हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे नडाल को कि 5 सेट, थर्ड सेट में वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, सेकंड सेट में मतलब इतना बुरी तरीके से मतलब वो 4-1 अप था, लेकिन तब भी वो फोर्थ सेट सेकंड सेट हार गया। तो कैसे कोई इतना बड़ा कमबैक कर सकता है, कमबैक। तो हमको सबसे पहले ये याद आया आपको फेडरर और जोकोविक वाला 2019, ये तो मतलब मेरे दिमाग में बैठ गया वो वाला मैच, जो मतलब जिंदगी हम नहीं भूलेंगे वो वाले मैच को, जिस तरीके से फेडरर ने मतलब दिक्कत की थी मतलब अपने लिए। और जो ट्वीट किया है रॉजर फेडरर ने, तो उसका ये मतलब समझ लीजिए कि नेवर अंडर एस्टिमेट अ ग्रेट चैंपियन, तो नेवर अंडर एस्टिमेट रॉजर फेडरर, ये जो वर्ड्स हैं ही इज वेरी क्लेवर इन दैट, तो इसको मत भूलिएगा आप लोग। और ये एक तरीके से स्टोरी हमको नहीं लगती कि टेनिस की है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, दिस इज अ स्टोरी ऑफ नेवर गिविंग अप काइंड ऑफ। और ये वाला मैच देखने के बाद मतलब हमको याद देख ही रहे थे ना, तब हमको याद आ रहा था फेडरर 2017 एकदम सेम। और उसमें भी आप याद कीजिएगा या जो जोकोविक वाला जो फाइनल था 2013 में, शायद जो 5 सेट सबसे लंबा मैच गया था, लगभग 5 आवर 54 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आपको फिफ्थ सेट में नडाल अप था, इसमें भी इस वाले मैच में भी फिफ्थ सेट में नडाल अप था, लेकिन फिर ब्रेक हुआ, फिर उसने 5 ऑल तक मैच चला गया फिफ्थ सेट, और उसके बाद से फिर एक ब्रेकअप हुआ और उसके बाद से सर्व कर दिया। लेकिन टाई ब्रेक वाई ब्रेक जाता तो तब भी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन ऐसे भी ये वाले मैच में मतलब हर एक गेम पर एक बुक लिखी जा सकती है, तो आई डोंट नो। लेकिन अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि हम जस्टिस नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा मैच होता है और खास करके ग्रैंड स्लैम इस तरीके का एपिक, जिसको हम वर्ड में या मतलब बोल के हम जस्टिस नहीं कर सकते हैं। और एक बात मेडवेडेव के बारे में हमको कहनी है कि उसके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं इन कंपैरिजन टू रॉजर फेडरर या मतलब राफेल नडाल बेसिकली। तो आप ये बात समझिए ना कि मेडवेडेव जिस तरीके से खेल रहा था और पर्पल पैच जो उसका फर्स्ट सेट और सेकंड सेट मतलब जीत गया, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी नडाल से ग्रैंड स्लैम में 2 सेट अप। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा सोचने लगा होगा और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि नहीं अब मतलब अब हम मैच जीत जाएंगे, उस तरीके का वो प्लेयर नहीं, उस तरीके की वो मेंटेलिटी नहीं। मेरा दिमाग में आ रहा है शापोवालोव, जो मतलब अगर उस इसमें रहेगा तो मतलब शापोवालोव ऐसा सोचे कि अरे मैच जीत गए, लेकिन मेडवेडेव ऐसा नहीं है। लेकिन हमको ऐसा लगा ना कि मेडवेडेव ने ये सोचा भी ये सोचा होगा, या मतलब उसने अपने लेग्स को काफी ज्यादा एक्सप्लोसिवली यूज किया होगा। थर्ड सेट में वो बहुत थोड़ा सा स्लो हो गया था, और नडाल थर्ड सेट फोर्थ सेट में इन कंपैरिजन टू फर्स्ट सेट थोड़ा ज्यादा एक्टिव लग रहा था, तो हमको ऐसा लगा कि ये एक एक्सपीरियंस की बात हो सकती है। और दूसरी बात मेडवेडेव के बारे में हम बात करेंगे तो ये करेंगे कि वो मतलब जब मेडवेडेव अच्छा नहीं खेलने लगता है तो मतलब उसका आप शॉट सिलेक्शन देखिए, ड्रॉप शॉट, मतलब कभी भी वो ड्रॉप शॉट मार रहा था, कोई मतलब कोर्ट पर कहाँ है वो, नडाल का एंटिसिपेशन कितना अच्छा है सबको पता है, और आई डोंट नो बेमतलब का। और एक बात और कहनी होगी कि नडाल ने ये एक टैक्टिस काफी अच्छे से इस्तेमाल किया फोर्थ सेट में, कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, थर्ड सेट में भी, फिफ्थ सेट में भी, फिफ्थ सेट में कम, फोर्थ थर्ड और फोर्थ सेट में वो शॉट स्लाइस कर रहा था, और मेडवेडेव ऐसा लग रहा था ना कि कंफ्यूज है कि
कि नेट पर आए कि नहीं आए, नेट पर आए कि नहीं आए। तो बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि मिडल ऑफ द कोर्ट फंस गया था मेडवेडेव, और वॉली करे कि नहीं करे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेडवेडेव, जैसे आपको याद होगा कि 2019 वाले जो यूएस ओपन में था, वो उसने सर्व एंड वॉली करके 5 सेट तक मैच चला गया था ना, लेकिन इस वाले मैच में वो कंफ्यूजन था। तो एक बात कॉमेंटेटर ने कही कि मेडवेडेव इज नॉट अ सर्व एंड वॉलियर, मेडवेडेव इज अ सर्व एंड सर्वेलेंस, सर्व एंड सर्वेलेंस काइंड ऑफ मतलब प्लेयर है। पहले वो सर्वेलेंस करता है कि अच्छा ठीक है हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन सर्व एंड वॉली बहुत ज्यादा कमिटेड टाइप का गेम है। मतलब आपको आना है तो आना है। क्रेसी को देखिए, अभी आप सोचिए कि इतने बड़े मैच में क्रेसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सर्व एंड वॉली अभी वही कर रहा है भाई। मतलब हर एक शॉट, मतलब सेकंड सर्व में भी सर्व एंड वॉली कर रहा है, तो दैट इज लाइक बात करनी होगी उसकी। तो ये हमको थोड़ा कंफ्यूजन लगा कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कंफ्यूज है कि आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। ऐसे उसका शॉट सिलेक्शन के बारे में बात किया, मतलब फोर हैंड के बारे में बात मतलब पहले की थी मैंने कि मतलब मे बी उसका अनफोर्स एरर बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं तो अच्छी बात है। बैक हैंड तो हम लोग जानते हैं उसका क्लीन का कितना अच्छा है, और नडाल को उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी डाउन द लाइन में। लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ सेट में आपको फोर हैंड नडाल अपना यूज कर रहा था एंगल बनाने के लिए, और उसके पास से जो विनर उसने मारा है फिफ्थ सेट में, मतलब आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। और ये वीडियो में हम कुछ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, मतलब सॉरी गाइस, हम जान रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शॉट थे जो मतलब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि अरे यार हाउ कैन अ ह्यूमन डू दैट, मतलब कि कितना ज्यादा उसके लिए करेज चाहिए। और जो डाउन द लाइन बैकहैंड ऑन द राइज नडाल ने लिया है 2-3 लगातार, अमेजिंग अमेजिंग। इतना ज्यादा टफ होता है हायर पार्ट ऑफ द कोर्ट, एंड नडाल वॉज डूइंग दैट अमेजिंग। और अगर आप लोग सोचिएगा ना कि एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, और मतलब इतना ग्रैंड स्लैम खेला हुआ है नडाल, एज की भी बात आ जाती है, यहां पर एक स्किल की भी बात आती है। आप सोचिए प्रो गेम में भी स्किल का भी इन दोनों का डिफरेंस है। नडाल जब सर्व एंड वॉली कर रहा था ही वाज गुड, खास करके फर्स्ट सेकंड सेट में तो मतलब कुछ भी ट्राई कर रहा था कुछ हो नहीं रहा था, तो लग ही नहीं रहा था ही इज अ बेटर प्लेयर। लेकिन जब थर्ड सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेट में जब ट्राई कर रहा था और नेट पर जब आ रहा था, ही वॉज डूइंग दैट। लेकिन एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात हुई, नडाल ने ओवर हेड मिस किया। ये कभी होता नहीं है, बहुत कम होता है। और बहुत ज्यादा उसी गेम में, उसके नेक्स्ट गेम में इतना ज्यादा टफ ओवर हेड उसने स्मैश मारा कि यू कैन सी मतलब उसका ओवर हेड इज अमेजिंग। और मेरे दिमाग में आता है नोवैक जोकोविक का थोड़ा फ्रिंजी टाइप का ओवर हेड है, बहुत ज्यादा वो बहुत मेन मेन पॉइंट पे गलती करता है। लेकिन तभी बात कर लेते हैं अब एक थोड़ा सैड टाइप का, मतलब सैड वाली बात, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था मेडवेडेव का, राफेल नडाल तो काफी ज्यादा हैप्पी था, और मतलब होना भी चाहिए उसको, मतलब। और उससे अगर गोट के बारे में अगर आप पूछिए कोई सवाल कि गोट कौन है, गोट कौन है, गोट कौन है, अरे यार मतलब उसकी पर्सनालिटी हमको काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और आप अगर सोचिएगा ना तो मतलब ही लव्स टेनिस, दैट्स इट। उसी तरीके से हमको लगता है कि रॉजर फेडरर भी हो चुका है, उतना ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब उसको चाहिए कुछ ऐसा। अब हमको लगता है कि मतलब वो थोड़ा ज्यादा मतलब ग्रैंड स्लैम जीतना चाहता है, लेकिन उसका भी वो है कि ही लव्स टेनिस, एंडी मरे ही लव्स टेनिस, और नोवाक जोकोविक डायरेक्टली उसने मतलब ये तीनों चाहते होंगे। एंडी मरे की बोलना नहीं चाहिए बात, लेकिन तब भी उसने कंपेरेबल रहा है ना, वो इतना सारा मतलब मास्टर्स उसने जीता है, इतना ग्रैंड स्लैम फाइनल वो पहुंचा है, तो बोल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन तब भी इन टर्म्स ऑफ लविंग द टेनिस एंडी मरे इज अप गाइज, एंडी मरे बहुत ज्यादा ऊपर है। एंडी मरे जो सिचुएशन से वो अभी गुजर के टेनिस में आया है, जो अभी अच्छा इतना अच्छा टेनिस खेल रहा है, श्योरली अगर वो 2022 में मतलब इस साल अगर रेगुलरली 15 टूर्नामेंट खेलता है, ही विल बी इन टॉप 10 और टॉप 20, टॉप 20 आई थिंक, आई एम श्योर। लेकिन हम क्या बात कर रहे थे, नोवाक जोकोविच डायरेक्टली जो बोल देता है ना, उसका ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब हम लोग सोचने लगते हैं कि सिर्फ वही सोच रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब कुछ ऐसा सोचते हैं कि ग्रैंड स्लैम जीतना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि नोवाक जोकोविच लव नहीं करता है टेनिस। अगर लव नहीं करता है टेनिस, बींग अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड बींग लाइक अवे फ्रॉम योर फैमिली लाइक होल ईयर एंड जस्ट ट्रेवलिंग एंड डूइंग दैट, अगर हम लोग को अच्छा लगता है ना देखने में, अगर एक बार तुम करके देखो उसके बाद से पता चलेगा। हम किसी भी आदमी को बोलेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन इज लाइफ इज अमेजिंग और समथिंग लाइक दैट, इतने अमीर है तो ये है वो है, डू दैट, जीतिए एक 5, 5.5 घंटा 6 घंटे का मैच, 10 मिनट में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है, आपकी मतलब आपका स्पॉन्सरशिप है भाई, आपको आना है, आपको बैठना है, आपको सबका जवाब देना है। अगर आपने गलती से जवाब जवाब गलत दे दिया, स्पॉन्सरशिप से दिक्कत होगी आपको। बहुत ज्यादा टफ ये सब मतलब जॉब है, ऐसा नहीं है कि पैसा मिल रहा है तो दैट्स इट। एवरीवन हैज अ जॉब, और कोई भी जॉब इजी नहीं होती है। अगर आप लव करते हैं तो यू विल एंजॉय दैट जॉब, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ। तो क्या बात कर रहे थे, हाँ मेडवेडेव वाला जो मतलब सैड टाइप का जो था ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि जितना
उसके अगेंस्ट था ऑडियंस, तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। और उसने बोला कि जब हम बच्चे थे तो मैं सोचता था कि मतलब हम ये करेंगे, ये ग्रैंड स्लैम खेलेंगे, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी मतलब कुछ साल पहले भी वो ये सोचता था, लेकिन मतलब वो सोच रहा है कि वो डिजर्व करता है ऑडियंस रिस्पेक्ट, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। तो मैंने पहले भी इस वीडियो में बात किया था कि नोवाक जोकोविक के बारे में सोची कि मतलब उसके साथ अगेंस्ट कितने ज्यादा, लेकिन तब भी वो कितना ज्यादा जीत गया। लेकिन मेडवेडेव ने बोला कि मतलब अब वो बच्चा जो ड्रीम करता था, वो अब बच्चा ड्रीम नहीं करता है कि मतलब हमको ये खेलना है, ये जीतना है, ये करना है, अब हमको अपने लिए खेलना है, नॉट फॉर लाइक एवरीबडी काइंड ऑफ। आई विल प्ले फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई फ्रेंड्स टू प्रोवाइड माई फैमिली एंड हु सपोर्ट्स मी। मतलब एक तरीके से अगर आप सोचिएगा तो वो एक तरीके से वो ट्रोल है, तो मतलब वो कुछ भी कहता है तो मतलब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दूसरे एंगल से भी वो बात को कह रहा होगा और यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन अगर वो सही में कह रहा है तो बहुत ज्यादा डीप है, और मतलब हम ऐसा नहीं मतलब चाहते हैं कि वो इस तरीके से टेनिस खेले, क्योंकि पहला बात कि वो ग्रैंड स्लैम हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत जीतेगा, और दूसरी बात कि जो सेमीफाइनल में तिस्ती पास के साथ मैच हुआ था, तो तिस्ती पास से तो वो अभी अच्छा प्लेयर है, एकदम अच्छा प्लेयर है, ग्रैंड स्लैम भी जीत चुका है, लेकिन काफी अच्छा प्लेयर है अभी इन कंपैरिजन टू तिस्ती पास। लेकिन तिस्ती पास से ज्यादा सपोर्ट तिस्ती पास के पास था, तो ये देखकर उसको बुरा लग रहा है। तो और ये भी बात, अगर अल्काराज टाइप के प्लेयर के साथ भी सपोर्ट मतलब मैच होगा तो अल्काराज को लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मेडवेडेव को नहीं करेंगे। तो बट वो उसका यही कहना है कि ही हैज गिवन एवरीथिंग टू दिस स्पोर्ट, जो नोवाक जोकोविक का भी कहना था, लेकिन क्राउड सपोर्ट नहीं करता है तो मतलब वो अब डिमोटिवेटेड टाइप का फील कर रहा है। लेकिन आई डोंट वॉन्ट दैट मेडवेडेव, आई डोंट वॉन्ट दैट। यू आर लाइक चैंपियन मैन, यू आर लाइक बेस्ट राइट नाउ, यू आर द बेस्ट हार्ड कोर प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। सो क्या पता मैंने जस्टिस किया कि नहीं किया, लेकिन यही कहानी थी ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल नडाल और मेडवेडेव की। और नडाल ने जो किया है, I am amazed, I am in awe of Nadal. और मेडवेडेव, we love you guys and बस यही सब कहना था आपसे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइए कि क्या नहीं अच्छा लगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड डू एक्सरसाइज एवरी डे, नॉट लाइक दिस, लाइक नॉट लाइक क्रॉस ट्रेनर, डू एक्सरसाइज, डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स इज वेरी गुड।